दे देंगे आपको। अरे एक बात और है भाई साहब, ये कौन सा तरीका आया कि डीएमआर एसएसपी फिर एसपीसीटी तय करेंगे, थाने में किसमें मुकदमा दर्ज होगा? गलत और सही कुछ नहीं होगा। आप ये बताओ, इनके पास फुटेज है, मैं इनके साथ 100 बार आऊंगा, 100 के 100 बार मुकदमा दर्ज करोगे ना मेरे ऊपर? ये किसी को बुलाएंगे नहीं क्या? बुलाएंगे। और सुनो, मैंने क्या मौके पे जाकर उत्पात मचाया, आपकी पुलिस का साथ दिया, उस समय पर इनसे तैयारी लिखवा कर रिसीव करी और मैं वहां से चला गया। आपका इंस्पेक्टर मौजूद है एसपी सिटी साहब, तो उसके बाद मुझे पता चलेगा कि मैंने कानून का साथ देकर गलती कर दी और मेरे पे मुकदमा दर्ज हो गया। ये कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो आप मेरे से? अरे इनसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? हिंदुओं पे मुकदमा दर्ज करा तुमने, पीटे हुए पे जो अल्पसंख्यक है वहां पर, ये हिंदू अल्पसंख्यक है वहां पर, और जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है एसपी सिटी साहब आप भाई भाई हमला करा रहे हो। मैं आपकी जिम्मेवारी तय कर रहा हूँ इस केस में, ये आपके कारण हुआ है हमारे लोग पिटे और हमारे लोगों पे मुकदमा। अभी आप जानते नहीं मेरा लटका इतिहास, अभी आपको पता नहीं है, आपने जो बात करी है ना, आपने जो ये करा है, सुनो भाई साहब बात सुनने की है, अदरोज किससे कहूंगा अगर एसपी सिटी से नहीं कहूंगा, एसपी सिटी के ऑफिस में बात कर रहा हूँ, गैर कानूनी बात कोई नहीं कर रहा। आवाज में आक्रोश हो सकता है लेकिन सिद्धांतिक आवाज नहीं है। और ये मेरे से मुझे कल समझ रहे, तुम कल 2 बजे का टाइम दिया, गायब हो गए तुम, कल 2 बजे का टाइम दिया, आज नवीन अध्यक्ष जी ने आपसे बात करी, ये आगे भी चंद्र अग्रवाल जी हमारे बैठो बाबूजी बैठो, कोई एक थोड़ी आएगा, लाइन लगा देंगे हम तुम्हारे दरवाजे पे। नहीं बात क्या कह दोगे तुम, तुमने मुकदमा दर्ज कैसे करा हिंदुओं पे? आपने बैलेंस करने के लिए मुकदमा कैसे दर्ज करा? आप सारे खत्म कर दोगे? आप क्या समझ रहे हो कि हम भाड़े के टट्टू हैं? आप पूरी बात सुनो, आपने मुकदमा दर्ज कैसे करा एसपी सिटी साहब हिंदुओं पे? यही पीटे, इन्हीं पे मुकदमा दर्ज करोगे? ये अल्पसंख्यक है, यहाँ पर दांतों के बीच में जीप की तरह से रहते ही है। अब आप पे कर दो, इन पे कर दो, आप इसमें कोई दुर्व्यवहार करेंगे तभी तो आप दुर्व्यवहार करो। दुर्व्यवहार करा मैंने, विजय गुप्ता वहाँ बैठे, दुर्व्यवहार जब हम करेंगे तो दोनों पे मुकदमा हो जाओ। डीएमआर एसएसपी ने करा है, अगर उसमें कमलदास शर्मा, बदर अली और तीसरा क्या नाम उसका, अनस के खिलाफ लग गया मुकदमा, तो उसमें कितना सही है कितना गलत है, क्या कार्रवाई होगी, ये एक शासन का और पॉलिसी मैटर है। नहीं नहीं, एक मिनट, हमारी हमने पहले हमने कही आप हमारी बात क्यों, हमको इतने मजबूर स्रोत है भाई, हमारी या तो हमको मजबूर स्रोत है, तुम्हारी सुनने थोड़ी आए, अपने कहने भी तो आए हैं, अपने कहने ना, हमारी बात पूरी पूरी नहीं हुई ना, आपको बीच में रोकना जरूरी है, आपको बीच में रोकना जरूरी है ना, आपका हिसाब बढ़ता ही चला गया ना, रोक लो फिर, आपको रोकना जरूरी है, बताओ रोकना इसलिए जरूरी है, जो लोग वहां पर पहुंचे, माननीय अध्यक्ष जी जो लोग वहां पर पहुंचे थाने में, मैं सबसे पहले थाने से वापस आ गया, एसपी सिटी तो वहाँ मौजूद भी नहीं थे जब मैं गया, मैं तो एसपी सिटी के कहने से जाने से पहले मैं वहाँ से आ गया, और मेरे पे मुकदमा लिखोगे हैं? और वो भी झूठा, भाजपा के कार्यकर्ता। एक मिनट एसपी सिटी साहब, आपको जो करना अभी कर लेना, एक मिनट रुको, अब मेरी बात को रोको मत, आपके लिए भी अच्छा है अगर मेरी बात को नहीं रोकोगे, इनकी भी भड़ास निकल जाएगी, ये भी कल से बाजार बंद करे हुए पड़े हैं, आप चाहते हो 10 दिन बाजार बंद रहे तो 10 दिन रहेगा, खुलेगा नहीं, अगर आपके दिमाग में कोई गलत फहमी तो निकाल लो, आप बता रहा हूँ एसपी सिटी साहब, आपने क्या करा, मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा, मैं वहां क्या करने गया था, एक आदमी की तहरीर लिखवाने गया था मैं, और तहरीर लिखवा के आपके सीईओ ने कहा मैं निकल के चलता बना, आपका इंस्पेक्टर मौजूद है, क्या करा विजय भैया, तुरंत आया मैं वहां से, आने के बाद एसपी सिटी वहां बाद में पहुंचे, मेरे से व्यक्तिगत दुश्मनी निकालते हो तुम, है क्या चाहते हो तुम, बताओ क्या चाहते हो मेरे से, मुझे बंद करोगे, मुझे मेरा मर्डर कराओगे तुम, क्या चाहते हो तुम मेरे से, जाना छोड़ दूं, 1000 मुकदमे होंगे ना, जब भी नहीं छोड़ने का जाना थाना में, जाऊंगा हर जगह जाऊंगा लगातार, तुम रोक के दिखाओ मुझे, थोड़ी बात आप अभी नहीं हुई ना, अभी पूरी होगी, तुमने मेरे पे मुकदमा करा वहां जाने के बाद, बात भी होगी, बात अपनी पूरी कर लो, और इन पे मुकदमा करा जो पीड़ित थे, हम कुछ भी नहीं था सर, 150-200 दबाव है, करेंगे जी बात, मैं ये मुकदमे के बारे में मैं फिर कह रहा हूँ, ये मुकदमे हमारे यहाँ एज ए पॉलिसी मैटर्स, सही बात भी नहीं बताओगे क्या आप सरों को, एक मिनट मैं करूंगा ना, जब बात आई नहीं बोल पहले बता लेना, आपने बोल लिया बीच में बता लेना, कोई भी एज ए पॉलिसी मैटर यहाँ पर डीएमएसएसपी के संज्ञान में उनके निर्देश पर कार्रवाई होती है, और इंडिविजुअली न एसपीसीटी लिखा सकता है, न सीओ लिखा सकता है, न इंस्पेक्टर लिखा सकता है, यही आपकी बात को जरा बता दूं,
ये जो पॉलिसी आप बता रहे हैं, पहले ही बताया आपने, अभी बताया, अभी कहेंगे गलत मुकदमे करोगे, हमें कोई चिंता नहीं है, हम खूब जाएंगे। अभी करो ना गिरफ्तार, रुको ना यार, जान सामने बैठा हूँ। अरे रुको यार, गिरफ्तार तो मुकदमे क्या, मुकदमा दिखाने के लिए करते हो लोगों को, गिरफ्तार क्यों नहीं करते, करो ना दमे तो करो गिरफ्तार। उन्होंने बताया ना पॉलिसी बैठा, पॉलिसी बैठा, मुकदमे करोगे, हड्डी हमारे एस एस पी का नाम लोगे फिर, कोई बात नहीं, चलो अब जैसे हो गया वो बात हो गई, अब इसको करके हम चलाएंगे, इसमें रेट बनाए, इनकी जरूरत कहाँ पड़े, हमारा काम है ये करने जाएंगे, व्यापारियों के पास जाएंगे, दूसरा काम दे देंगे हमें, कभी तुम कुछ और मजबूत काम करो, छोटे मोटे काम तो हम ही निपटा लेंगे, हम हमारे अधिकारी हो, लेकिन इनके थोड़े चलने देंगे पुलिस के। हमने एक पॉइंट पर अनुरोध किया था, वो आप समझे होंगे, मैं लोग समझ गए, मैं जब मामला हिंदू मुसलमान का हो संवेदनशील, उसके बाद कहीं नहीं, वो एक नजीर बन जाए, भले मैंने गलत करो या दूसरा करो, उसके साथ नजीर बन जाए, इस तरह की कार्रवाई हो, उसके अलावा मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल आइए, आप ज्यादा चाय की बात करो, मैं आप चाय पी के गया था, बैठ के आपको ध्यान है, मैं तो उसकी शुरुआत कर गया था, आपने दूसरी रिटर्न चाय नहीं मिली, तीनों लोगों की मौजूदगी मैं कह रहा हूँ, जिस दिन ये सही करने लगेंगे।